तो ये ओके वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ आज के इस एक वीडियो के अंदर GTA San Andreas Definitive नेटफ्लिक्स वाले वर्जन के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला एक वर्जन का अपडेट आ चुका है, जो कि हमारा 2.0 वर्जन 2.0 का एक अपडेट आ चुका है, जिस अपडेट में आपके ग्राफिक्स को और भी ज्यादा एनहेंस कर दिया गया है, आपके ग्राफिक्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। और ये इस वाले GFX मोड को इंस्टॉल करने के लिए ना आपको पूरा गेम को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, पूरा गेम डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा था। ये जो रहने वाला है ना, सिर्फ आपको 1 MB की फाइल आपको डाउनलोड करनी रहेगी, और 1 MB की भी नहीं है यार, वो 1 MB से भी कम की फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी रहेगी। और उसके बाद में आप उस फाइल को अपने गेम के अंदर सीधा ऐड करके और अपने ग्राफिक्स को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। गाइज, ये वीडियो GTA San Andreas नेटफ्लिक्स के ऊपर होने वाली है, और वही लोग इस वाले मोड को इंस्टॉल करिएगा जिनका फोन अच्छा है, जिनके फ़ोन में प्रोसेसर अच्छा है, और वो लोग हाई एंड गेम्स को अपने फ़ोन में चला सकते हैं विदाउट एनी लैग। क्योंकि ये वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा लैग करेगा आपके फ़ोन के अंदर अगर आपका फ़ोन अच्छा नहीं है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर मिनिमम 6 GB रैम का डिवाइस है आपके पास में और एक डिसेंट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तब आप इस वाले गेम को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज उससे नीचे है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप इस गेम को डाउनलोड भी करो। गेम को डाउनलोड कैसे करना है तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज अपने चैनल पर बनाई हुई है, आप चैनल को ज़रूर विजिट करिए और वहाँ से अपने गेम को डाउनलोड कीजिए। लेटेस्ट वर्जन की वीडियो भी आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, एंड पे जाकर के आप गेम को डाउनलोड करके पूरा सेटअप करके एंड इस वीडियो में आकर के ये वाला ग्राफिक्स मोड पैक को यहाँ से ले जाइए। लिंक ऑब्वियसली मैंने यार इस पे दे दिया है, जाइए ज्वाइन करिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना तो कर लो यार, क्योंकि बहुत अपडेट मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वीडियोज के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है कुछ वीडियोज पे, तो ऑफकोर्स यार टेलीग्राम पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के वीडियोज को एंजॉय कर सकते हो। मिस्टर सैफरन वाइटी के चैनल पे मैं आपको स्वागत करता हूँ, यहाँ पे GTA रिलेटेड एंड अदर गेम्स रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहती है। गाइस, मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्टनर्स यूज़ कर रहे हो, आपके प्रोसेस बहुत ज़्यादा जो है लेंदी है लिंक्स के, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जस्ट मेरे को सपोर्ट करने के लिए है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कितनी मेहनत होती है वीडियोज़ को बनाने में, एडिट करने में और कॉन्टेंट्स को फाइंड आउट करने में। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा बिग डील है, अगर आपको एक फ़ाइल को डाउनलोड करने में अगर 2 से 3 मिनट लग रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वीडियोस को बनाने में यार बहुत दिन लग जाते हैं, कई घंटों की मेहनत होती है। तो यार प्लीज़ वो चीज़ सहलिया करो और वो मुझे कमेंट मत करा करो बार बार। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो यार आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो, मैं आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर आपको पर्सनली किसी चीज़ में डाउनलोड की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं काफ़ी लोगों की ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ। टेलीग्राम इज़ अ मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो कि हम यूज़ करते हैं, और हमारी कम्युनिटी भी वहाँ पर है जो काफ़ी सारे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, और हमारी कम्युनिटी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 1K सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम पे होने वाले हैं, अगर नहीं किया ज्वाइन तो कर लो। फिलहाल मैं इस वाले मोड पैक पे आता हूँ, और ये वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक है ना, ये कुछ ऐसा है कि आप RGC ID की तरफ से ये गेम प्ले होने वाला है। और इस वाले गेम प्ले में ना यार, जब आप इसकी क्वालिटी देखोगे ना तो वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। ऑल दो अगर आप पुराना ग्राफिक्स मोड पैक यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट हाँ अगर आप कहीं कहीं पर थोड़ा सा आगे जा कर के एंड जब कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो चेंजेस मैंने यहाँ पे पर्सनली देखे हैं। और यहाँ पे ये चेंजेस ना यार, ये चीज़ें सब इंजॉय कर पाना ना यार, हर किसी की जो है बस की बात नहीं है। आपको ऑब्वियसली एक अच्छा डिवाइस चाहिए जिसके अंदर आप अपनी गेम को यहाँ पे चला सकते हो। और ये जैसा कि अगर आप गेम प्ले में देखोगे तो यहाँ पे क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट ऐसा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की क्वालिटी ऑफकोर्स थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है, रिफ्लेक्शन थोड़े से अच्छे हो गए हैं, और कंट्रोल्स को थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दिया गया है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे गेम प्ले के अंदर तो कंट्रोल्स में थोड़े बहुत चेंजेस लग रहे हैं मुझे पहले वाले वर्जन से। और उसके अलावा यार जब आप यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे टेक्सचर्स पे देखोगे
टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिए गए, रिफ्लेक्शन साफ साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पे GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन को पूरा का पूरा यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया है और PC वाला वर्जन का लुक दे रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे कोई भी मुझे लैग देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है कुछ इंप्रूवमेंट लैग्स में भी हुए हैं। ऑल दो यार अगर आपका गेम लैग करता है ना तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मैंने चैनल पे दो वीडियोस अपने बनाई हुई हैं जहाँ पे उन वीडियोस को देखने के बाद में आप अपनी PC सेटिंग्स को फिक्स कर सकते हो और उसके अलावा अपने लैग को परमानेंटली फिक्स कर सकते हो। वो वीडियोस ज़रूर जाके देख लेना अगर आप इस गेम के अंदर लैग फिक्स कर रहे हो। और उसके बाद में आपका गेम मक्खन 60 FPS चलने वाला है, 60 FPS नहीं तो एटलीस्ट 30 FPS से ऊपर देने ही वाला है अगर आपका डिवाइस मिड रेंज भी होगा तब भी। गाइस आप ये वाला जो आप आयरन मैन वाला स्किन देख रहे हो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आयरन मैन के ऊपर भी आप चाहते हो वीडियो तो आप आयरन मैन वाली वीडियो भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। और यहाँ पे लैम्बोर्गिनी कार्स तो मैंने आपको अपने मोड उस वाले वर्जन में आपको प्रोवाइड कर ही दी थी, तो आपको आई होप कि सारी की सारी कार्स भी मिल गई होगी। और मोस्ट अमेजिंग चीज़ देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये प्लस माइनस वाला आइकन है ना कार स्पॉनर, ये भी उनके गेम में नहीं होता है, तो आप यहाँ से मैंने अपने चैनल पे वीडियो उसकी भी बना दी है, आप कार स्पॉनर को भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम गाइस। जी हाँ सारी चीज़ें आपको चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल अभी आप इस वाले मोड पे को एंजॉय कर ही रहे हो, गेम प्ले देख ही रहे हो और मैं भी आपके साथ में एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रिफ्लेक्शन क्वालिटी यार बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गई है और जो कि इस वाले ग्राफिक्स मोड पे को बहुत अच्छी चीज़ बनाती है। मैं अब इनके जो क्रिएटर्स हैं उन नेम है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी ऑफकोर्स उन्होंने यहाँ पे इस वाले मोड पे को बनाने की, और हमेशा वो इंप्रूवमेंट करते हैं, क्रिएशन करते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं न्यू गेम के अंदर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और काफ़ी लोग यहाँ पे हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इसलिए मैंने उनके जो नेम है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको ट्राई करो अगर आपका अच्छा डिवाइस है, अगर अच्छा डिवाइस नहीं है प्लीज़ भाई डाउनलोड मत करना इस वाले मोड पे को, आपका गेम बहुत ज़्यादा लाइक करने वाला है और आप मुझे कमेंट में फिर बोलने वाले हो कि यार भाई ये क्या चीज़ दे दी आपने हमको। और ये फिर मैं आई डोंट डिसअपॉइंट यू गाइस, बट ये आपके लिए नहीं बना है अगर आपका डिवाइस लाइक 4 GB या 3 GB या 2 GB रैम वाला है, उसमें आप नॉर्मल GTA San Andreas खेलो भाई। और यहाँ पे मैं बेसिस ही नहीं कर रहा, लेकिन आपको GTA San Andreas रिलेटेड भी बहुत सारे मोड्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही GTA San Andreas का एक नया मोड पैक अपलोड किया है, नया ग्राफिक्स मोड पैक अपलोड किया है और वो आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप एयरप्लेन भी उड़ाना चाहते हो इस वाले गेम के अंदर वो भी उड़ा सकते हो विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स। आप कंट्रोल्स देखोगे थोड़े डार्क कर दिए गए हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है, गेम को पूरा कस्टमाइज कर दिया गया है और लग नहीं रहा है कि ये गेम एंड्रॉयड के अंदर चल रहा है, इट्स लुक लाइक कि ये PC का गेम है, PC के अंदर चल रहा है और फ़ोन के अंदर हम स्ट्रीम कर रहे हैं, बट इट्स एक्चुअल रियल गेम विच यू आर सीइंग गाइस राइट नाउ। रिफ्लेक्शन क्वालिटी, शेडो क्वालिटी अमेजिंग, शेडो क्वालिटी पे एक बार आप देखिए जो शेडो क्वालिटी आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और माइंड ब्लोइंग शेडो क्वालिटी है, तो सब कुछ एक्चुअली इंक्लूड है यहाँ पे और पूरा ऑप्टिमाइज अभी ये नहीं हुआ है। मैं भी मानता हूँ FPS आपके लो आ सकते हैं, बट हाँ ये इन फ्यूचर भी ऑप्टिमाइज होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें बहुत सारे मोड्स जो इसके अपडेट से वो आ रहे हैं और अभी मुझे लगता है कि यार कुछ दिन बाद एक और अपडेट आने वाला है, तो ऑफकोर्स आपको चैनल पर मैं देता रहूँगा, तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यार मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देता रहता हूँ और आपको कहीं पे भी ना ढूंढने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें मैं देखने के लिए आपको मिल जाती है, सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ जब भी कोई नई चीज़ आती है GTA रिलेटेड एंड एंड्रॉइड गेम्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे गेम के अंदर हम कंट्रोल्स को, यानी कि जो गेमिंग जो कंट्रोलर होता है, वन सेकेंड, ये वाला जो कंट्रोलर होता है इसको हम अपने फ़ोन के अंदर कैसे कनेक्ट करके गेम्स को खेलने वाले हैं, तो अभी ये मेरे पास करीब 2 साल से पड़ा है और 2 साल से पड़े रहने के बाद में मैं इसको यहाँ पे जो है अपने मोबाइल गेम्स को स्ट्रीम करने वाला हूँ, और मोबाइल गेम्स को स्ट्रीम करने के बाद में मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। GTA San Andreas को मैंने इस वाले रिमोट कंट्रोलर से कैसे खेला है वो भी आपको चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर बता दूंगा। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हो चैनल पे आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।